पुलिस ही पूरा फेक न्यूज स्प्रेड कर रहा है, कोलकाता पुलिस पूरा फेक न्यूज स्प्रेड कर रहा है। एक ऑर्गेनाइज क्राइम है और इसको पूरा ढकने के लिए पूरा एकदम एक कॉन्स्पिरेसी किया। बार बार संदीप घोष के ऊपर आशीर्वाद है, ऊपर से ममता बनर्जी का आशीर्वाद है ऊपर से, इसलिए संदीप घोष कुछ नहीं कर पाया। अभी संदीप घोष को सीबीआई ने अरेस्ट किया है कि शुरू से हम लोग देख रहे थे कि पुलिस, कोलकाता पुलिस सब लोगों को समन भेज रहे थे कि आप लोग फेक न्यूज स्प्रेड कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को समन भेज रहे हैं। अभी तो देख रहे हैं कि कोलकाता पुलिस ही पूरा फेक न्यूज स्प्रेड कर रहे है, कोलकाता पुलिस पूरा फेक न्यूज स्प्रेड कर रहे है। क्योंकि उस दिन जब सब लोग वीडियो दिया था कि यहाँ पे रेनोवेशन चल रहा है बोल के, क्यों चल रहा है यहाँ पे, अभी तक इंक्वायरी चालू नहीं हुआ है, तो वो लोग बोले थे नहीं ये अलग जगह है, ये रूटीन रेनोवेशन था। लेकिन आपके पास ये चिट्ठी जब आया कि 10 तारीख संदीप घोष ने सीनियर एग्जीक्यूटिव पीडब्ल्यूडी सिविल को ये चिट्ठी दिया, ऑर्डर दिया, और ऑर्डर कॉपी टू प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट जो नारायण सौरभ निकम है, तो अगर ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पता है और उसके ऊपर में भी तो ममता बनर्जी को पता है, तो ये नारायण सौरभ निगम बोलिए, आप सबसे पहले मुख्यमंत्री को पूछताछ कर लीजिए, जो सच है सामने आ जाएगा। तो मतलब पूरा एविडेंस दबाने का कोशिश पूरा चला, एक ऑर्गेनाइज क्राइम है और इसको पूरा ढकने के लिए पूरा एकदम एक कॉन्स्पिरेसी किया, और एक के बाद एक अच्छे से स्क्रिप्ट करके इसको मतलब दबाने का कोशिश चला। संदीप घोष के ऊपर आशीर्वाद है ऊपर से, ममता बनर्जी का आशीर्वाद है ऊपर से, इसलिए संदीप घोष कुछ नहीं कर पाया।